सचिवा न्यू पीटी कॉलेज द्वारा विद्यार्थियों के आत्म आकलन के लिए समय समय पर टेस्ट सीरीज का आयोजन किया जाता रहा है। सचिवा न्यू पीटी कॉलेज में आयोजित टेस्ट श्रृंखला सीरीज में विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन करने सचिवा न्यू पीटी कॉलेज के पूर्व छात्र एवं डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर नवीन केशवानी पहुंचे और विद्यार्थियों को उन्होंने सफलता के टिप्स दिए। अंचल के ख्याति प्राप्त शिक्षण संस्थान सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज में विद्यार्थियों के आत्म आकलन के लिए टेस्ट श्रृंखला हर बार की तरह इस बार भी आयोजित की गई। इस सप्ताह के टेस्ट श्रृंखला में उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। विद्यार्थियों को सम्मानित करने साथ ही उनका उत्साहवर्धन करने संस्थान के ही पूर्व छात्र नवीन केसवानी जो कि एक डर्मेटोलॉजिस्ट हैं वो विशेष रूप से यहाँ पर पहुँचे। विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन करते हुए उन्होंने उनके डाउट्स क्लियर किए साथ ही विभिन्न विषयों पर चर्चा की। संकुचित रहते हैं सर, ये एज ग्रुप भी वैसा है ना, थोड़ा सा लगता है कि कुछ गलत पूछ लिया तो कोई हंस देगा या कोई वो रहता है सर। वो जब तक अब मैं इनके साथ 1 घंटा नहीं बिताऊंगा, 1 to 1 नहीं होगा, तब तक तो ये तक लोग देख खोलेंगे लेंगे। नहीं, हाँ खोलेंगे नहीं। एग्जैक्टली चलो तो आप अपने विषय में बताओ भाई कि आपकी तैयारी, आप पढ़ते थे ये। अपने ही संस्थान में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे डॉक्टर नवीन केसवानी ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए अपने अनुभवों को हमसे साझा किया। साथ ही संस्थान के डायरेक्टर चिरंजीव जैन ने भी इसका उद्देश्य बताया। मेरा नाम डॉक्टर नवीन केसवानी है। मैं 2005 बैच में सिलेक्शन हुआ था मेरा रायपुर मेडिकल कॉलेज में, और उससे पहले मैंने कोचिंग की ही है यहाँ पे सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज में, जहाँ मेरा अनुभव काफ़ी अच्छा रहा। काफ़ी मेरे बेसिक्स क्लियर हुए और जिसकी मदद से ही सिलेक्शन हो पाया। उसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की है स्किन एंड बीडी में। मैं बेसिकली डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ और अभी राइट नाउ मैं एसोसिएट प्रोफेसर भी हूँ मेडिकल कॉलेज में। साथ में मेरा खुद का प्राइवेट प्रैक्टिस है, मेरी क्लिनिक है दुर्ग में। बहुत गौरव का विषय है, बहुत अच्छा फील होता है और एक ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लगता है कि जो आने वाली जनरेशन है उनको भी हम कुछ अगर मोटिवेट कर पाएँ, अगर हमारे जैसे अगर हमारे पास यहाँ 50 बच्चे हैं उसमें से अगर हमारी बातें सुन के एक भी अगर मोटिवेटेड होता है तो दैट इज़ हाईली सक्सेसफुल थिंग। ये बहुत बड़ा आज के डेट में ट्रबल फैक्टर हो चुका है बच्चों के लिए। जिस टाइम हम लोग पढ़ाई कर रहे थे उस समय इतने स्मार्टफोन्स, इंटरनेट और मोबाइल की सुविधा नहीं थी, तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली वी वर लकी कि हम उससे बच पाए। बट स्टिल ये जो जनरेशन है जब इन सब चीज़ों से है तो उसके पीछे भी हमको एक डेफिनेटली एक रास्ता खोजना चाहिए। मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट रहता है स्मार्टफोन से दूरी बना के आप डिजिटल फ़ोन रखिए, नंबर वाले फ़ोन रखिए, वो सबसे ज़्यादा मेरे को बेनिफिशियल लगता है। क्योंकि जिससे क्या होगा, अपने जैसे हम परिचित हैं अपने पेरेंट्स से, उनसे हम कांटेक्ट में भी बने रहें, टाइम बे टाइम इमरजेंसीज में हम उसका यूज़ कर सकें, और व्यर्थ के इंटरनेट और यूट्यूब और व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम में समय ना ख़राब करें। डेफिनेटली जब मैं फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट की थी तब मैंने 241 रैंक लाया था। उस समय मैंने सचदेवा का क्रैश कोर्स किया था। समहाउ मेरे को याद नहीं हम क्या फिर सर से मिलने आए थे, चिरंजीव सर से, तो उन्होंने देखा, उन्होंने बोला यार तुमने तो कम समय में ठीक ठाक रैंक बनाया, एक बार और अटेम्प्ट कर सकते हो आप, आपको अच्छा रैंक आएगा। तो वो डेफिनेटली मोटिवेटिंग फैक्टर था और मेरे को लगता है कि उसी को लेके आगे बढ़ा फिर। देखिए आज 8वां टेस्ट है हमारा, टेस्ट सीरीज का, और 7वें का प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो आज गेस्ट के रूप में डॉक्टर नवीन केशवानी हमारे बीच उपस्थित हैं, जो 2005 बैच का सिलेक्शन है हमारे यहाँ। डॉक्टर नवीन केशवानी एक बहुत अच्छे छात्र रहे हैं और अभी बहुत अच्छे डॉक्टर हैं और एसोसिएट प्रोफेसर भी हैं शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज में। ऐसे शख्सियत को चीफ गेस्ट बनाने से हमें ये लाभ होता है कि जो बच्चे हमारे यहाँ से निकले हैं सबसे पहले तो उनका सम्मान है, और जो बच्चे अभी सेलेक्ट होने वाले हैं उनको अच्छा मोटिवेशन मिलता है। उनको ऐसा लगता है कि ये जो शख्सियत है कहीं कभी यहीं बैठा करती थी, कभी यहीं पढ़ा करती थी, और आज इतना शहर में इतना बड़ा नाम है, तो ये संभव होने वाली बात यहाँ दिखती है बच्चों। देखिए 30 वर्ष हो गए मुझे इस भिलाई आए हुए सचदेवा कॉलेज को रन करते हुए। समानता तो वही है कि पहले के छात्र भी उसी तरह से चिंतित रहते थे और लगे रहते थे अपने सिलेक्शन के लिए। अभी भी वही बात है, जो सीरियस बच्चा है वो लगा हुआ है, और असमानता मैं नहीं कह सकता लेकिन डिस्ट्रैक्शन अभी के बच्चों में थोड़ा ज़्यादा है। पहले के बच्चों के पास डिस्ट्रैक्शन कम था, सुविधाएं कम थी, लेकिन सीट भी कम थी उनके साथ, और अभी के बच्चों के पास
डिस्ट्रैक्शन भी है और बढ़ी हुई सीट भी है। तो अब ये है कि जो सेलेक्ट होना चाहता है वो पहले तय कर ले कि सेलेक्ट होना है, तो फिर अपने डिस्ट्रैक्शन को दूर कर ले। ये बात पहले भी थी और अभी भी थी। पहले डिस्ट्रैक्शन मोबाइल नहीं था, इंटरनेट नहीं था, कुछ भी नहीं था, बच्चे पढ़ने में लगे रहते थे। अब के बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनके पास मोबाइल भी है, इंटरनेट भी है, भटकने के पर्याप्त साधन है, लेकिन जो सेलेक्ट होने वाला बच्चा है वो इन सबसे दूर ही रहता है। सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज में आयोजित टेस्ट श्रृंखला विद्यार्थियों के लिए मील का पत्थर साबित होती है। शायद यही कारण है कि विद्यार्थी अपने आप को पूर्ण रूप से तैयार करते हैं, साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए पूरी तैयारी इस टेस्ट श्रृंखला के माध्यम से करते हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शाहिन खान की रिपोर्ट।